टाइम हो रहा है 5:40 इन द मॉर्निंग। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और मैं जा रहा हूँ पहले पेट्रोल भरने के लिए। तो अभी सब लोग मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो मैंने अभी गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट किया है और अभी जस्ट चालू किया, 2 मिनट रखता और फिर यहाँ से निकल रहा हूँ। शुरू होते ही पचका दे दिया गाड़ी ने। तो आज मेरी अग्नि परीक्षा है इस माइक की, क्योंकि मैंने माइक के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जो कि अभी रिजल्ट्स मुझे देखना है। तो अभी मैंने एक फ़ोन लगाया हुआ है रिकॉर्डिंग के ऊपर, तो ये सारे जुगाड़ वाले थिंग्स हैं। और गाड़ी में फ्यूल काफ़ी कम है ये टाइम। तो हम लोग को निकलते निकलते हो गया 6, मतलब मैंने ऐसा सोचा था कि 5:30 तक हम निकल जाएंगे करके, बट जाते जाते तो लेट हो ही जाता है थोड़ा बहुत। सो ये हमारी ऑफिशियली पहली ऐसी राइड रहेगी, मज़ा आने वाला है। तो अभी मेरे साथ है सुमित, उसके आगे है जो एंटॉर्क है, एंटॉर्क पे जो है रितेश और उसकी बहन प्रियंका। तो हम 4 जन जा रहे हैं और 3 बाइक्स है। तो अभी सबसे पहले तो हम जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। और अभी मैंने कैमरा जो है थोड़ा नीचे माउंट किया है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि अरे कुत्ते चेज़ कर रहे हैं मुझे। हाँ, तो कैमरा मैंने ना नीचे माउंट किया हुआ है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब भी मैं अपनी नेक घुमा रहा हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ से राइट में पेट्रोल पम्प है और ये लोग सारे आ गए। तो अभी हम पहले पेट्रोल भरवाते हैं गाड़ी में, गड्डी में पेट्रोल इच नहीं है। तो 1000 में आया 9 लीटर खाली। कसम इतना महंगा पेट्रोल ये भाई, उड़ मत जाना। हम लोग दहिसर चेकनका के यहाँ पे पहुँच गए। हम लोग ने रूट सिलेक्ट किया है ठाणे का, ठाणे रूट से हम लोग जाएंगे, क्योंकि पवई वाला रूट तो क्या पता अचानक वहाँ से किधर भी ट्रैफिक आ जाते हैं। तो अभी हम लोग हैं गोरबंदर रोड पे और यहाँ पे हल्का हल्का सा फॉग है। मुझे लगा था अच्छा खासा फॉग रहेगा क्योंकि ठंडी चालू है, इसके लिए मुझे लगा था होगा करके, बट इतना फॉग नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। बाइक राइड करने के लिए और भी मज़ा आ रहा है। अरे 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 इतना गंदा पॉटहोल, फक। और मैंने क्या हुआ कि मैंने वाइज़र बंद कर दिया है, तो इसका वाइज़र पूरा ब्लैक है, तो मुझे खड्डे में कितना डीप है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ, अभी यहाँ से आपको सीधा जब भी सनराइज़ होगा ना तभी मैं प्रॉपर वाइज़र बंद करके मैं शूट करूँगा, तभी निकलता हूँ। अभी तो फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है मैं स्किप कर देता हूँ करके। सो ये नासिक मुंबई, हमको कहीं पे भी नहीं जाना है, हमको लोनावला जाना है। तो ये हम लोग लेफ़्ट ले रहे हैं, यहाँ से लेफ़्ट लेके जो ठाणे के अंदर से जो रोड जाता है हम लोग वो रोड से जाने वाले हैं। और ये रहे और बाइकर्स, संडे राइड के लिए इतने सारे लोग जाते हैं, हम लोग ने तो अभी अभी चालू किया। तो अभी हम लोग ने एरोली नागा क्रॉस किया और ये देखो सनराइज़ हो रहा है यहाँ पे। ज़्यादा मुझे घुमाने नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने पूरा घुमाया मुंडे पर, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। और ये स्टेडियम, और स्टेडियम के बहुत ब्यूटीफुल सनराइज़ दिख रहा है मेरे को, मैं कानी नज़र से आगे देख रहा हूँ क्योंकि आपको सनराइज़ दिखाना था। यहाँ पे तो लोग वगैरह रुक के फोटोज वगैरह ले रहे हैं। वाह भाई, हाईवे पे मत रुको यार ऐसे। और मैंने एक गलती हुई है या कुछ पता नहीं मुझे, बट अभी मैंने थोड़े बहुत फुटेज चेक किए थे, तो उसमें से ग्रे मतलब ग्रीन स्केल आ गया पूरा और बीच में से लाइंस वगैरह ऐसा कुछ तो आ रहे, पता नहीं क्यों। मैंने एक बार ऐसा हुआ था कि मैं चार्जिंग पे लगाया था और इसको रिकॉर्डिंग, और कब से मैं वही कर रहा हूँ, चार्जिंग पे लगा हुआ है और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी मैंने चार्जिंग से निकाल दिया, होप सो अभी ठीक से आए। सो मैं एक्चुअली याद आ गया, और मैंने अभी तक मुझे याद आया कि मैंने आपका स्वागत ही नहीं किया इस चैनल पे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये बहुत लेट हो गया एक्चुअली मुझे, बट ठीक है, याद तो रहा। वरना कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मैं पूरा घूम के आता हूँ और बाद में मेरे को याद आता है अरे यार मैंने तो वेलकम किया नहीं आप लोग का। और ये रोड काफ़ी बढ़िया है, एकदम फट्टे व्यू वाला है, मतलब दोनों साइड में ऐसा बना के रखा है लोगों ने कुछ पेंटिंग्स वगैरह, काफ़ी कूल लग रहा है ये। बस जो डर है मुझे ये इसके कि यहाँ पे जो पानी रहता है इसका मुझे हमेशा डर लगता है, भले मैं गाड़ी में रहूँ, बाइक पे रहूँ, कुछ भी रहूँ, ये पानी का मुझे बहुत डर लगता है। और स्पेशली बुलेट पे, बुलेट मतलब बुलेट का और पानी का कुछ तो जमता ही नहीं है, ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम है लोग का।
बहुत फटाक से गाड़ी स्किट खाता है ये। सो अभी हम लोग ने यहाँ पे ऐसे थोड़ा एक शॉर्ट ब्रेक लिया था क्योंकि मुझे फुटेज भी चेक करना था, बट मैं बोलने के रात में फुटेज चेक करना ही भूल गया हूँ। जो मेन काम के लिए रुका था वो ही भूल गया हूँ मैं। तो अभी हम लोग है मुंबई पुणे हाईवे के यहाँ पे रुके थे। सो ऊपर अगर आप चढ़ते हो तो आपको फ़ाइन लग जाएगा अगर बाइक से आ रहे हो तो, और गाड़ी से तो ठीक है, गाड़ी के लिए अलाव है। तो आपको यहाँ से नीचे से जाना है आपको लोनावला के लिए। इन मौसम बारिश वाला ये क्या है, ये इतना पानी कहाँ से आया? वो और बुलेट के लिए पानी मतलब धोखा। तो अभी हम लोग है पनवेल में। जैसे पनवेल में मैंने एंटर किया अचानक में एकदम ठंडी आ गई, मतलब ऐसा लग रहा है कि 2-3 डिग्री तो आराम से कम हो गया रहेगा, ऐसा ठंडी आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ से लेना है हमका राइट। अगर अपन राइट लेगा, राइट लेके अपन जाएगा तो जाएगा अलबाग के लिए। हमको तो जाना है सीधा पुणे, दिख रहा है पुणे, पुणे के लिए। ओहो पंजीम भाई, जाना है यहाँ पे पंजीम के लिए, पंजीम के लिए, पंजी नहीं, बाइक लेके गोवा जाना है एक बार सोलो राइडिंग। तो अभी ये आ गए हम लोग ऑफिशियल रूट पे, अभी लेफ्ट राइट नहीं है, सीधा सीधा जाएगी लोनावला की तरफ। तो अभी ये स्ट्रेट रोड है पूरा लोनावला तक, पूरा रोड ऐसे ही रहेगा क्योंकि मैंने एक बार ट्रैवल किया था तभी मेरे का मुझे याद है कि ये रोड बहुत सही है। और अभी सीधा लोनावला। अरे ये भाई ऐसा पंप क्यों दे रहे मेरे को आगे से? मैंने एक्चुअली सोचा था कि बीच में कहीं रुक के हम लोग कुछ चाय वगैरह पियेंगे क्योंकि सुमित ने लाया था चाय थर्मास में भर के, बट रोड ऐसा था कि रुकने का ही मन नहीं कर रहा है। अभी शायद से यही रुक रहा है। चलो अभी शायद से रुक के आप चाय पियेंगे हम चाय। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। गर्म है कि ठंडी हो गई? गर्म है कि ठंडी हो गई चाय उधर? अरे यार क्या लफड़ा हो गया यार, मैंने बीच में जो सेटिंग्स किया था इसका तो मुझे लगता है कि फोटो मोड पे चला गया था। ये देखो रॉन्ग वे पे से जा रहा है गाड़ी। हाँ तो क्या हुआ कि मेरा फोटो मोड पे चला गया और जो खंडाला का जो घाट था उसका मैं कुछ रिकॉर्डिंग ही नहीं आया। अच्छा वो तो मैं अभी रुक के देख। तो अभी हम फाइनली पहुंच गए लोनावला में, सामने से ट्रेन जा रही है जो टाइगर पॉइंट है, हम लोग ने सोचा कि वहाँ पे जाते करके। अरे रे रे रे, और बीच में एक प्रॉब्लम हो गया था कि मेरा बैटरी अचानक से पूरा इसमें ड्रेन दिखा रहा था, तो ये जो इंडिकेटर रहता है इसका एम्प मीटर का वो पूरा नेगेटिव में चला गया था। और हॉर्न में बजा रहा तो हॉर्न भी एकदम कम बज रहा, और सबसे पीछे मैं था, गाड़ी रुकाया वगैरह नहीं, सीधा ये यहाँ पे लेके आया। और सुमित को मैंने बोला कि यार ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ज़रा आगे पीछे देखना मैं हूँ कि नहीं, वरना समझा मेरा बाइक बंद पड़ेगा और मैं किधर तो लटका हुआ हूँ। चले टाइम पास हो गए। अंकल ने मेरे को हीरो बोला। हीरो, एवरी गाय इज हीरो। तो अभी हमको लेना है यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से राइट लोगे तो खंडाला जाओगे और आगे एक पटरी है रेलवे की पटरी। तो टाइम हो रहा है 10:20। हम लोग ने बहुत सारे हॉल्ट लिए थे इसके लिए टाइम लगा मुझे। मुझे याद है जब भी हम लोग पहले पहले टाइम आए थे हम लोग को ये भी चीज़ इंटरेस्टिंग लगी थी बहुत, मतलब है अच्छी। तो हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले थे, आधा टाइम तो हम लोग इधर निकाल दिए, बाद में ऊपर जाने के लिए लेट हो गया था हम लोग को। भाई ऊंट मेरे को अक्सर राजस्थान में दिखा नहीं, इधर दिख रहा है मेरे को। खाओ गली, ऊपर मैगी खा रहे हो तो महंगा मिलेगा, नीचे मैगी खा रहे हो तो 20 रुपये सस्ता मिलेगा, और इससे नीचे जा रहे हो तो और 20 रुपये सस्ता मिलेगा। अरे यार ये व्यू अड़ा रहा है मेरा। संजय आई नीड टू ओवरटेक यू। संजय कब से बीच में रुका है यार, जाने दे संजय।
ये टाइगर पॉइंट से टाइगर्स घूम रहे हैं यहाँ पे, वाइट टाइगर भी इसमें। ए माय गॉड, यहाँ पे देखो कितने सारे जन गिरे हुए हैं। संतोष भाई, संतोष हेला काय झालं? इधर लगा दे बॉय। चाय स्पॉन्सर्ड बाय सुमित हवे की वैसे चाय हवा उड़ रही है। काय रे बावा कुठे चालला? स्पायडरमॅन स्पायडरमॅन सो अभी हम लोग टाइगर पॉइंट से निकल रहे हैं और जा रहे हैं पवना लेक की तरफ। जाते जाते कुछ खाएंगे ऑन द वे। बुर्जी खाने का मन कर रहा है, बुर्जी या फिर ऑमलेट का कुछ भी रिलेटेड टू एग। तो अभी टाइम हो रहा है 11। सो ओवरऑल ये ट्रिप बहुत सही था, मज़ा आया सुबह चलाने की। रॉन्ग, अरे अरे अरे, ये लोग ऐसे आ रहे हैं ना, थोड़ा स्केट वगैरह कर देंगे तो फट रही है। बाइक पे कुछ तो सामान रखने की व्यवस्था करनी पड़ेगी अच्छे से। उड़ा दिया बाइक उसने स्पीड ब्रेकर पे। थांब, विचारून घेऊ इकडे याच्या, ही राईट राईट बोलते इकडे, मला ऐकायला येते फक्त। तो हमेशा की तरह गूगल माताने थोडा रस्ता भटका दिया था हम लोग का। हाँ, तो रास्ता भटका दिया, दूसरे एक रोड से लेके आ रही थी। बट हम लोग ने एक जन को पूछा तो वो भी बोला कि है यहाँ से रास्ता, बट हम लोग वो रिस्क नहीं ले रहे क्योंकि अंदर अंदर का रोड है शायद से वो। तो अच्छा ये रहेगा कि मेन रोड से ही जाए। तो अभी लगता है मुझे ये मेन ही कोई तो चौक है, यहाँ से राइट है अखा इकड़ा से। तो प्लान में बदलाव किए गए हैं हमारे। हम लोग अभी सोच रहे हैं कि पवना लेक नहीं जाते क्योंकि जाने के लिए हम लोग को एक घंटा लगेगा और वहाँ से रिटर्न आने के लिए और एक घंटा लगेगा। पवना लेक का ये टाइम तो नहीं कर रहे, नेक्स्ट टाइम आएंगे तभी पवना लेक जाएंगे। चीज़ मैगी नहीं, नॉर्मल मैगी है। ये नॉर्मल मैगी है ना, नॉर्मल है। सो अभी हम लोग ने मैगी और ऑमलेट वगैरह ऑर्डर किया यहाँ पे। सो अभी यहाँ पे खाएंगे और निकलेंगे। गाड़ी ना
तो अभी हम लोग लोनावला से निकल के मतलब वहाँ पे नाश्ता वगैरह किया, नाश्ता मतलब ब्रंच हो गया, ये नाश्ता तो नहीं हुआ, तो ब्रंच हो गया हम लोग का। खंडाला में रुक के थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ लेंगे, तो अभी अपन जाएंगे खंडाला, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। अरे ये ट्रक अभी तक सो रहा है, रुके हम लोग थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह निकाले यहाँ पे, और अभी निकले यहाँ से क्योंकि गर्मी बहुत हो गया, अभी गर्मी लगने लगा है हम लोग को। अभी देखते हैं, ये लोग को एक रील्स शूट करने का था, तो उनका जो रील्स का वीडियो हो जाएगा किधर पे तो अच्छा सा, उसके बाद में सीधा अपन निकलेंगे घर के लिए। सो अभी हम लोग हाईवे से यू टर्न लिए, और ये मोंटेरा रिसोर्ट करके कुछ तो है, यहाँ से अंदर जाने के लिए बोल रहे। अच्छा यहाँ पे है ये अबंडेंट प्लेन, जो कि एंट्री में करने के लिए 50 रुपये मांग रहे हैं। भाई खड़ा हुआ तो है पूरा, इसमें क्या रील्स बनाने के लिए आए थे 50 रुपये मांग रहे हैं। छोड़ो निकलते हैं यहाँ से, बकवास है वैसे भी। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, ये लोग ने रील्स ऐसे बाहर से शूट कर लिया और जुगाड़ वाला काम कर लिया, पर 50 रुपये वो एंट्री मांग रहा था अंदर जाने का। मतलब 50 रुपये कौन देगा, कुछ उसके पास पावती नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो ये वीडियो मैं यही पेंट करता हूँ, सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक भी करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।